Hello everyone, this is Dr. Richa Singh. Today I am going to discuss our next topic, that is population. Growth. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन. क्लियर. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन. तो किसी एरिया की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स स्टैटिक नहीं होती है. मीन्स पॉपुलेशन की साइज, जैसे मैंने कहा था, पॉपुलेशन साइज को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में मेजर करते हैं. तो किसी भी पॉपुलेशन की साइज किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए स्टैटिक नहीं होती है. इट मीन्स ये डायनेमिक होती है, ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है. क्लियर. हमने कहा कि साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज नॉट स्टैटिक. इट मीन्स इट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. और ये चेंज होता क्यों है? तो ये चेंज होता है किस किस वजह से, लिख लेते हैं. चेंज इज ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, चेंज इन पॉपुलेशन साइज किस किस वजह से होता है? फर्स्ट वन इज फूड अवेलेबिलिटी. ओके, फूड अवेलेबिलिटी. दूसरा रीजन होता है प्रेडेशन. प्रिडेशन प्रेशर मीन्स अगर फूड की अवेलेबिलिटी सफिशियंट है तो पॉपुलेशन साइज सेम रहेगा, और अगर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज कर रहा है तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि फूड की अवेलेबिलिटी कम हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो. सेकेंड हमने बताया कि प्रिडेशन प्रेशर. अगर प्रिडेशन प्रेशर भी होगा तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की. एंड थर्ड वन इज एडवर्स वेदर कंडीशन. क्लियर. एडवर्स वेदर कंडीशन, दीज थ्री फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन साइज इन पर्टिकुलर एरिया. ओके, हमने कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी में ये सारी चेंजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो किसी पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम देख करके ये बता सकते हैं कि वहां की पॉपुलेशन फ्लोरिश कर रही है या डिक्लाइन कर रही है. ओके, मींस पॉपुलेशन के साइज में, पॉपुलेशन की डेंसिटी में चेंज होने से आइदर ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि वहां की पॉपुलेशन फ्लोरिश कर रही है या डिक्लाइन कर रही है. ओके, इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, फोर बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि किसी पॉपुलेशन के फ्लक्चुएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब ये फोर बेसिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज, लिख लेते हैं, फोर बेसिक प्रोसेसेस डेट फ्लक्चुएट्स या डेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लक्चुएशन ऑफ ए
पॉपुलेशन। क्लियर। अब ये फोर बेसिक प्रोसेसेस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नेटेलिटी, सेकेंड वन इज इमिग्रेशन, थर्ड वन इज मोर्टेलिटी, एंड फोर्थ वन इज इमाइग्रेशन। क्लियर। फोर्थ वन इज इमाइग्रेशन। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। नेटेलिटी किसको कहते हैं? नेटेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी इज कॉल्ड एज नेटेलिटी। सेकेंड वन इज इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मीन्स इमिग्रेशन में वे आएंगे, जैसे किसी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स एड होते हैं उस टाइम पीरियड में जिसमें कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एड होते हैं उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। थर्ड वन इज मोर्टेलिटी। सो द मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब जितने भी नंबर ऑफ डेथ होंगे उस गिवन पीरियड जिसमें कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी। देन द लास्ट वन इज इमाइग्रेशन। व्हाट इज इमाइग्रेशन? तो चलिए देख लेते हैं। इमाइग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मीन्स जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से कहीं बाहर की तरफ जाते हैं जिस टाइम पीरियड को हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसी पॉपुलेशन से बाहर की तरफ जाते हैं उसे हम करते हैं ई माइग्रेशन। सो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टूडेंट्स ये फोर लाइफ प्रोसेसेस अफेक्ट करते हैं, जिसमें से नेटेलिटी एंड ई माइग्रेशन इंपॉर्टेंट रोल करता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। मीन्स इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। दीज टू फैक्टर हेल्प्स और प्ले रोल इन डिक्रीज इन पॉपुलेशन ओके। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर दिया आपकी बुक में। पहले नेटेलिटी है, देन मोर्टेलिटी है, फिर इमिग्रेशन है एंड इमाइग्रेशन है। बट हमने इसको इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है कि नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के इंक्रीज होने में रोल प्ले करते हैं जिनको हमने साथ में लिख लिया, और मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के डिक्रीज होने में हेल्प करता है या डिक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हमने एक साथ लिख लिया। क्लियर। तो चलिए हम इसे फ्लो चार्ट से डिस्कस करते हैं। सपोज करिए मैं यहां लिखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ओके। हमने लिख दिया और पॉपुलेशन डेंसिटी को जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से ओके। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी
इंक्रीज होगी तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करेंगे? नेटेलिटी, नेटेलिटी को डिनोट करेंगे हम बी से, मींस बर्थ. सो नेटेलिटी इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. देन इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. इमिग्रेशन किसको कहते हैं? आप इमिग्रेशन को आई से, आई फॉर इन से याद रख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं किसी पॉपुलेशन में उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन. सो नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट्स और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. देन अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं. माइनस मींस ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने वाले दो फैक्टर्स हैं, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि मॉर्टेलिटी और मॉर्टेलिटी मींस होता है डेथ, और मॉर्टेलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी. डी मींस डेथ. एंड द सेकेंड फैक्टर डेट प्ले रोल इन डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज ई माइग्रेशन. ओके, ई माइग्रेशन को हम ई से डिनोट करते हैं. तो हम इसको, स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आई को इमिग्रेशन लिखें या इमाइग्रेशन लिखें. कौन रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डेंसिटी के इंक्रीज करने में और कौन रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करने में? तो आई फॉर इन एंड ई फॉर एग्जिट. तो आई से इमिग्रेशन मींस जो पॉपुलेशन ऐड हो रही है वो इमिग्रेशन है, और जो पॉपुलेशन वहां से बाहर की तरफ जा रही है डेट इज इमाइग्रेशन. तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम एक फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं, एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं. देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन. मीन्स हमें कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन. क्लियर? हमने कहा कि अगर एन पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी टाइम टी पर, तो हमें टाइम टी प्लस वन पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं. लिखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी प्लस वन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस. अब हम उन फैक्टर्स को लिखेंगे, हमने ये पहले एक ब्रैकेट लगाया है उसके बाद हमने दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे उन फैक्टर्स को जो कि किसी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर हैं? डेट इज बर्थ एंड इमिग्रेशन. ओके, बर्थ और इमिग्रेशन को ऐड करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंड अब इसमें से माइनस करेंगे उन फैक्टर्स को जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को? दैट इज डेथ प्लस इमाइग्रेशन. ओके, ब्रैकेट क्लोज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का किसी पर्टिकुलर टाइम टी प्लस वन पर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ.
नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.